और लेटेस्ट न्यूज YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें सत्यमेव न्यूज। नमस्कार, सत्यमेव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित माथुर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है देवास से, जहां देवास में रेत के काले खेल पर जिला प्रशासन की खामोशी से इन दिनों क्षेत्र में रेत का गोरख धंधा बड़े स्तर पर चल रहा है। रेत के अवैध डंप पर बिना रॉयल्टी के दिन रात सैकड़ों की संख्या में प्रशासन को आंखें दिखाते हुए निकल रहे हैं। ऐसा ही दर्जनों ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से भी अवैध छिपानेर घाट से भर भराकर नारायणपुरा होते हुए देवास जिले के खिड़किया में स्टॉक कर यहां से चोरी छिपे डंपर भरे जा रहे हैं। लेकिन प्रशासन है कि आंखें खोल सच्चाई स्वीकारने को तैयार नहीं, जो इन दिनों ग्रामीणों के लिए मौत का कारण बन रहा है। किंतु रेत माफियाओं का भय इतना है कि मुंह खोलने से भी आम जनता भयभीत है। ऐसा ही आंबा बड़ागांव से भर रॉयल्टी दूसरे जिले में जा रही है। ऐसा लगता है कि रेत का खेल प्रशासन के संरक्षण में चल रहा है। जहां एक तरफ ओवरलोड वाहन से क्षेत्र की सड़कें खराब हो रही है, तो वहीं खनिज विभाग और राजस्व विभाग का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। नसरुल्लागंज से लेकर गोपालपुर तक मानो डंफर और डंफरों का मेला लगा हुआ है। रेत के अवैध डंफरों की गति इतनी तेज होती है कि आम राहगीरों को जान जोखिम में डालकर निकलना पड़ता है। कुछ दिन पहले तहसील घेराव कर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अवैध रेत उत्खनन और परिवहन को लेकर जिला खनिज अधिकारी और प्रभारी मंत्री आरिफ अकील पर जमकर बरसे थे और उनको ज्ञापन भी दिया था। इसके बाद भी जिला प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिससे भाजपा के सभी आरोप सही साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल इस बड़ी खबर में बस इतना ही। प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्यमेव न्यूज और मुझे यानी कि अंकित माथुर को दीजिए इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार।